सिटी इंडिया। दिल्ली के मौलाना तौकीर रजा भड़क गए और उन्होंने आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का विरोध कर दिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है तो इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। उनको भारत रत्न इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान में बंटवारे की राजनीति की, लोगों को नाराज करने और नफरतें फैलाने की राजनीति की। उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत रत्न का अपमान है। तो लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है और ऐसे में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसका ऐलान किया गया, बीजेपी नेताओं की ओर से स्वागत किया गया है, वहीं तौकीर रजा की ओर से इसकी मुखालफत भी की जा रही है। तौकीर रजा के विरोध को लेकर अयोध्या के साधु संत भड़क गए हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के ऐलान की सराहना की और तौकीर रजा पर निशाना साधा। उन्होंने उनके बयान को दंगा भड़काने वाला बयान बताया, जबकि अयोध्या संत समिति के महामंत्री पवन दास शास्त्री ने कहा कि तौकीर रजा जैसे लोग ही देश को बांटने का काम करते हैं। तो वहीं रामायणी रामशंकर ने तौकीर रजा को किराए के बयानबाज बताया है। जिस प्रकार से आडवाणी जी के बारे में अपशब्द का प्रयोग करना कि आडवाणी जी देश तोड़ने की बात किए और आज उनको भारत रत्न दिया जा रहा है, हिंदुस्तान का मुसलमान शांत है नहीं तो जिस दिन हम लोग चाह जाएंगे उस दिन पूरे देश में दंगा हो जाएगा। शुद्ध रूप से यह धमकी मौलाना तौकीर रजा का बर्दाश्त से बाहर है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तौकीर रजा पहली बात तो किराए का टट्टू है, वो किराए पर मीडिया में आकर के बोलता है, ऐसे व्यक्ति का कोई वजूद नहीं है। और लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो वास्तव में भारत माँ के लाल हैं, जिन्होंने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा के माध्यम से देश को जोड़ने का काम किया और अनेकों ऐसे कार्य किया जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ लेकिन वो हिंदुस्तान में भारत माता की सेवा करते रहे। कि सिद्धवानी राम जन्मभूमि के लिए और भारत के लिए जितना काम किया है उतना बहुत बढ़िया काम किया है और वह देश को जोड़ने का काम किया है। अगर भारत रत्न उनको दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद आरजेडी ने उन पर निशाना साधा। सांसद मनोज झा ने आडवाणी को मंदिर और मस्जिद विवाद का जनक बता दिया। ये सरकार का फैसला है, क्या ही कहें। लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, बहुत सारे पदों पर है, इसे इनकार नहीं किया सकता। लेकिन एक और पहलू है, इस देश के 40 बरस तकरीबन 40 ईयर्स 4 दशक उस विवाद में गए हैं। हमने अपनी ऊर्जा उस विवाद में खोई है जिसके जनक थे आडवाणी जी। और आज पीएम मोदी असम का दौरा करेंगे और 11,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सुबह लगभग 11:30 बजे प्रधानमंत्री मां कामाख्या देवी मंदिर जाएंगे, मां कामाख्या दिव्य परियोजना मां कामाख्या एक्सप्रेस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 3400 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जिनमें 38 पुलों सहित 43 सड़कें भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री 4 लेन परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और इन परियोजनाओं से ईटानगर से कनेक्टिविटी को बेहतर करने और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री राज्य में खेल से जुड़े हुए बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और इन परियोजनाओं में चंद्रपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम को फीफा मानक फुटबॉल स्टेडियम के रूप में विकसित करना शामिल है। प्रधानमंत्री गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बुनियादी ढांचे के विकास की भी आधारशिला रखेंगे और इसके अलावा वो करीमगंज में एक मेडिकल कॉलेज के विकास की आधारशिला भी रखेंगे। उल्लासनगर फायरिंग मामले में विधायक गणपत गायकवाड़ को उल्लासनगर कोर्ट में पेश किया गया।